बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे मेरे नाज़रीन अक्सर सुनते होंगे, स्पेशली कोरोना के दौर में NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उन्होंने हदायत जारी कर दी सूबों को, फलां सूबे में ये एमरजेंसी है, वहाँ पे ये करना है। पहले तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि NDMA क्या होता था क्या नहीं। अभी कोरोना के दौर में ज़्यादा पता चला, पहले जब सैलाब आते थे तब थोड़ा बहुत सुनते थे लोग। लेकिन NDMA हदायत जारी करता है, जो सूबे होते हैं वहाँ पे कौन सा इदारा है जो NDMA की हदायात के ऊपर अमल दरामद करवाता है, जो इम्प्लीमेंट करवाता है, जो वहाँ पे जाके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करवाते हैं, वो है जी PDMA, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उनको इस इदारे के बारे में नहीं पता होगा। ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है कि उनको बताया जाए कि अगर ऐसे कोई खुदा नखास्ता कोई भी कुदरती आफात आ जाती है, कुदरती आफत आ जाती है, उसमें सैलाब हो, उसमें जलजला हो, उसमें कोई इस तरह के और जैसे पिछले दिनों में वो कोरोना का था या डेंगू आ जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में कौन सा इदारा है जहाँ पे रब्ता किया जाए, कौन सी उनकी हेल्पलाइन है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके उनको कंप्लेंट लिखवा सकते हैं कि हमारे मुतलका डिस्ट्रिक्ट में तहसील में काम जो है वो नहीं हो रहा। तो वो फिर इदारा जो हरकत में आता है वो इदारा है जी PDMA। उनके आई डायरेक्टर खालिद मसूद फारूका साहब हमें तफसील से बताएंगे पंजाब के अंदर वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी आफात जो है वो इस महकमे के जो है अंदर आती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है और मैं अपने नाज़रीन को स्पेशली कहूँगा कि आम तौर पर देहाती इलाके जो है या दरियाओं के करीब हैं वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, वो ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है कि वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे वहाँ पे डील करना है, कौन सा महकमा लोकल आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको वहाँ पे डील करेगा, अगर वो नहीं करता तो कहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट करना है। जी फारूका साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपने सुन लिया होगा कि मैंने अपने नाज़रीन को कहा है कि ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा। तो बेसिकली PDMA इसका काम क्या है, इस जो महकमा बनाया गवर्नमेंट ने तो ये क्या है, सिर्फ PDMA एक दफ्तर है या वाकई काम इसका? जी बहुत शुक्रिया, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपके चैनल ने लिया है। लोगों को पता होना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से उनके इस तरह के मसाइल के हल के लिए किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कौन कौन से महकमा जात काम करते हैं। पंजाब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसमें आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं और मैं उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका एक आगे एक्सटेंशन है प्रोविंशियल लेवल पर। अगर इसके कॉन्सेप्ट समझना है तो आप ये देखें कि जब बड़ा जलजला आया था हमारे मुल्क में 2005 में, उस जलजले के वक़्त ये एहसास हुआ स्टेट लेवल पे कि हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है कोऑर्डिनेशन की, कि कहीं भी कोई डैमेज होता है जिसका स्कोप बड़ा है, एट अ टाइम बहुत ज़्यादा इदारों को, रिस्पांस एजेंसीज़ को, इदारे तो मौजूद हैं जो मुख्तलिफ काम करने वाले होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी एक होती है, तो ये महसूस हुआ कि उन तमाम की एफ़र्ट्स को इतना ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए कि किसी भी ऐसी इमरजेंसी की सूरत में इमीडिएट रिस्पांस भी दिया जा सके ताकि लोगों के जानो माल को तहफ़ किया जा सके और स्टेट पे और माशरे पे, सोसाइटी पे आम आदमी का एतमाद बहाल रहे। इसका क़याम इस इदारे का 2005 के बाद है? 2005 के बाद आया है। उसकी रिहेबिलिटेशन नीरा के ज़रिए शुरू की गई, फिर ग्रेजुअली चीज़ें कॉन्सेप्ट डेवलप होता 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 फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बन गई, फिर हर प्रोविंस के अंदर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी और पंजाब में भी ये अथॉरिटी अब काम कर रही है। अच्छा, अब आपने पूछा है कि इसके काम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आम आदमी अगर इसको समझना चाहे तो सिर्फ इतनी बात है कि डिज़ास्टर होता है तबाही। तबाही को हम डिफ़ाइन कर लें, कोई भी मसला एक सिंपल मसला भी हो सकता है और अगर उसका स्कोप बढ़ जाए, ज़्यादा तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हों, ज़्यादा आबादी के मुतासिर होने का इम्कान हो, तो उसको फिर हम डिज़ास्टर में ले जाते हैं। अब किसी एक जगह एक नहर टूटती है तो हो सकता है एक दो एकड़, चंद एकड़, 20-25 एकड़ ज़ेरे आब आएँ, फसलें हों, फिर उनको बहाल कर लिया जाता है इमीडिएटली, हमारे लिए वो एक इंसिडेंट है, एक वाक़या है। लेकिन अगर कोई दरिया का बंद टूट जाता है या कोई बहुत बड़ी दो तीन नहरें किसी प्रेशर की वजह से हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो हम उसको डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है ना। इन मामलात में जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और पंजाब में भी यही है कि हमारा काम ये है, एक तो मुसलसल हम इवेल्युएट करते रहते हैं, तजज़िया करते रहते हैं कि कौन कौन से मसाइल पेश आ सकते हैं फ्यूचर में, किन किन महीनों में,
कब कब क्या वाकया हो सकता है, और उस वाकये के रिस्पांस के लिए वो जो मसाइल पैदा हो सकते हैं उनके हल के लिए, और उनको इवन रोकने के लिए या इस हद तक रोकने के लिए कि उसका नुकसान कम से कम हो, क्या क्या किया जा सकता है। अब देखें, मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे महकमा अनहार इरीगेशन डिपार्टमेंट हम बोलते हैं, जो सारे जो पानी के हवाले से जितने मसाइल हैं, दरियाओं का पानी डैम्स में आता है, बैराजेस बने हुए हैं वहाँ से नहरों में जाता है एट्सट्रा, पीछे मुख्तलिफ हेड्स हैं जहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, उनका काम है कि बंद भी देखते रहें, उनका काम है अंदाज़ा लगाए रखें कि कितना पानी कब कब आना है और कैसे जाना है। हमारा काम ये है कि उनकी सुपरविजन भी जारी रखें, उनको इंटरनेशनल लेवल पे जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनकी मदद से फर्दर इंफॉर्मेशन भी देते रहें, और ये देखते रहें कि क्या क्या उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर लेने थे, यानी उस तबाही से बचने के लिए अगर हो तो, और अगर हो जाता है कोई वाकया तो फिर उसका हल निकालने के लिए और मज़ीद कौन कौन से महकमे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, अभी आजकल एक चल रहा है हमारे पास मियांवाली में बारिशें हुई पीछे को है सलमान में, पहाड़ों में, पहाड़ों में जब पानी एक्युमुलेट हो जाता है ढलवान में नीचे आता है तो हम उसको हिल टॉरेंट बोलते हैं, वो जिस स्पीड से आता है अगर बारिशें एकदम हो जाएं तो वो संभलने का मौका नहीं देता, तो उसके लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ती है कि ये तीन चार रास्ते हैं पानी के, ये तीन चार रोद को ही भी हम उनको बोलते हैं और हिल टॉरेंट भी बोलते हैं। टॉरेंट रोद हो जाती है बहाव, वो जब तेज़ी से आएगा तो इधर से आएगा तो इस रास्ते से गुजरेगा और यहाँ यहाँ ये पानी ज़्यादा फैलेगा, और ये जो आबादी है, इतने गांव हैं, इतने देहात हैं, इतने घर हैं इसके अंदर, इतने स्कूल हैं एट्सट्रा, ये सारे, अगर ये सारा पानी आता है तो हमें इनमें किस किस जगह पर लोगों को उस पानी से निकाल के इवैक्यूएट करना है, बहाल करना है, रखना है, उनको खाना पीना देना है, उनके माल मवेशी के लिए चारा प्रोवाइड करना है, ये उसका एक सारा प्लान होता है। पीडीएमए का काम ये है कि हम उस पर काम करते रहते हैं, प्लान बनवाते हैं, वही काम उन्हीं इदारों ने करना है जो फील्ड में मौजूद है, पूरा साल वर्किंग चलती है इस पे, प्रैक्टिकली पूरा साल वर्किंग चलती है, यही एक ब्यूटी है ना। तो यही एक ब्यूटी है जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है कि मुसलसल इसके पीछे होती है। नहीं देखें, हमारा अमला अलग से कोई नहीं है, एक तो हमारा अपना ये ऑफिस है, फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद हैं, उस पर भी हम बात करता हूँ, फिर वहाँ पे क्योंकि जो स्टेट की मशीनरी है उसमें एक पैरेलल कंट्रोल नहीं कायम किया जा सकता कि जी हमारा अमला ये इलाहदा से काम करेगा और वो इलाहदा से करेंगे, रिसोर्सेज तो वही हैं, कैपेसिटी अगर हमने बिल्ड करनी है तो उन्हीं महकमों की करनी है जो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हमारा काम ये है, जैसे कहते हैं ना जागते रहो, भाई ये हो सकता है कि इसकी तैयारी मुकम्मल है, अगर एक बड़ा शहर है जैसे लाहौर है तो हमारी नज़र होती है कि लाहौर में अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ये डिज़ास्टर हो सकता है, हर गली में पानी खड़ा हो, बड़े बड़े रोड बंद हो जाएं, रोड तबाह हो जाएं। जैसे पहले देहातों में होता था कि वो चौकीदार होते थे, तो आप तो ऐसे भी जागते रहना, जागते रहना, और हम उससे एक स्टेप ये जाते हैं, कहते हैं भी जागते रहें तो साथ साथ ये करें, पहले तैयारी रखें, मौके पे नहीं, ये भी करें, फिर हम उनसे प्लान बनवाते हैं। वाह साहब माशाल्लाह लाहौर का और तमाम वाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो पूरा एक प्लान होता है कि फलां फलां मंथ में ये एक्सपेक्टेड है, बारिशों का सीज़न है। अब जैसे पिछले इस जून में ज़्यादा बारिशें आई हैं पिछले जून की निस्बत, मतलब तकरीबन 120% ज़्यादा पूरे पंजाब में बारिशें हुई हैं। अब जहाँ जहाँ भी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, अगर हमारी पहले से तैयारी ना होती तो पानी का जो निकास है, जैसे कराची में थोड़ी सी मतलब एक और मसाइल हैं उसकी वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसकी प्लानिंग ठीक थी, तैयारी ठीक थी, और मुसलसल इस पे इस प्लान पे काम होता रहता है। तो आप देखते होंगे लाहौर में अगर कभी जाएँ या तमाम बड़े शहरों में जाएँ जहाँ अर्बन फ्लडिंग का होता है, तो जैसे ही बारिश का मौसम आने लगता है या हमें अंदाज़ा होता है कि अगले 24 घंटों में या अगले 36 घंटों में फलां फलां 10 घंटे में या फलां 5 घंटे में ज़्यादा होना है, तो वासा की टीमें या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमेटीज़ की टीमें मुख्तलिफ जगह पे पहुंच जाती हैं, कैंप लगा के मशीनें ट्रक श्रक खड़े कर देते हैं। इनको वॉच करना, इनको हदायत जारी करना आपकी जिम्मेदारी जी, इनको आप वॉच करेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं, इनको डर जाएगा कि आप इस काम करने से जी जी हम ये नज़र रखते हैं कि क्या ये जो इनके जिम्मे काम हैं
कि इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो उससे बचने के लिए पहले तो वाकया होने ना दिया जाए, हो जाता है तो फिर उसके रिस्पांस में उसमें लोगों की फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को ज़िंदगी के अमल को बहाल करने के लिए क्या ये तैयारी मुकम्मल है, उसके अंदर उनके इक्विपमेंट हैं, हम उन पर भी नज़र रखते हैं। मसलन डी वाटरिंग सेट एक कॉमन सी बात है, हम इनकी बाकायदा रिपोर्ट लेते हैं, इनके मुसलसल साल भर उसको रिव्यू करते रहते हैं, और ख़ास तौर पर इनके जब प्लान बन के आते हैं तो पूरा उसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि उन्होंने तमाम वो जगह आइडेंटिफाई कर ली हैं जहाँ जहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब पंजाब के हवाले से हम देखें तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मसाइल आते हैं ये एक तो रेनी सीज़न में है, फिर फ्लड का एक एक्सपेक्टेंसी होती है उसके हवाले से हमारा, क्योंकि पीछे जितने दरिया आ रहे हैं फिर पूरे पंजाब में से उन्होंने गुजर के जाना है, तो जब आगे तक पहुँचते हैं अभी बारिशें हो रही हैं, जी बिल्कुल अब ये ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, उन बारिशों के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो बारिशों का लोकल इम्पेक्ट आता है, लोकल गली मोहल्ले में पानी खड़े होना, सड़कों पे होना, बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो घर गिर जाते हैं किसी जगह पे, उनके लिए कंपनसेशन भी वो PDMA के प्रोसेस के तहत होती है। हम पूरा ये नज़र रखते हैं कि कितना डैमेज हो रहा है, मसलन इस साल जो हमारा एनालिसिस आ रहा है, डाटा आ रहा है, उसकी बुनियाद पे पूरा साल हम आगे देखेंगे। जो छतें गिर जाती हैं ये भी तो ये है, ये भी आपके जी, अब वो जो होता है हम उस पर नज़र रखे होते हैं, हम डेली बुनियाद पे जैसे ही इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, रिपोर्ट बन जाती है, तो फौरी तौर पर PDMA ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर अपलोड कर देती है, इस जगह पे फलां गली फलां मोहल्ले में फलां जगह पे छत गिरी है, मकान गिरा है, दीवार गिरी है, उसके नतीजे में अगर कोई जानवर हलाक हुए हैं या कोई इंसानी जान जाया हुई है या माली नुकसान हुआ है, वो एक रिपोर्ट बनती रहती है, फिर उसके ऊपर एवेल्यूशन होती रहती है। जी गवर्नमेंट का बाकायदा एक प्रोसेस है जिसके तहत वो एक कमेटी बनी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, फिर उसको बाकायदा एवेल्यूएट किया जाता है कि ये जितने भी डेथ्स हुई हैं या नुकसान हुए हैं ये उस नेचुरल या कुदरती आफत के नतीजे में हुई हैं, यानी उनके कंट्रोल में कुछ नहीं था, ये उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई है, तो हुकूमत स्टेट मैक्सिमम उनको कोऑपरेट करती है, उनके फैसिलिटेशन करती है और उनको जानी मारी नुकसान के एवज अदा पेमेंट भी की जाती है। हाँ ये भी एक होता है कि गलती शामिल नहीं होनी चाहिए अगर वो खुद से एक चीज़ को रास्ता बना देते हैं, हमारा है नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती आफत के नतीजे में, उसमें कोई भी हो सकती है। अब जैसे आप इसकी मिसाल ले रहे हैं कि अगर फसल किसी की तबाह होती है फ्लड से तो वो तो उनका कंट्रोल नहीं है ना, लेकिन अपनी गलती की वजह से किसी उन्होंने स्टोर में अपनी गंदम रखी हुई है तो वो हो जाए तो हम उसको नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं लेते, फिर वो गवर्नमेंट अपने तौर पर फैसला करती है, मुख्तलिफ और पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन हमारे ज़रिए से सिर्फ वही काम होते हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर में आते हैं, मतलब जो किसी के इख्तियार में नहीं है, इंसान के इख्तियार में नहीं कर ले, जैसे सैलाब आ गया, जैसे ये जी उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल, दरिया का बांध टूट जाता है तो वो आगे पानी निकल जाए, जाहिर है किसी के इख्तियार में नहीं है, रमजान का तसलसल आ जाए। जी जी अच्छा, मुझे भी प्रोग्राम से पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे लिए एक नई बात थी कि PDMA जो है ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, इसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वही आपको डील करते हैं। जी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबर जो सभी बता रहे थे कि इन इदारों की जो मदर है वो सेक्रेटरी रेवेन्यू है। हाँ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR साहब। अच्छा उसके अंदर ये है ना कि उसमें भी एक ब्यूटी ये है, हिस्टोरिकली पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि पूरे मुल्क में भी ये था, पंजाब में खास तौर पर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही था। जब आप देखें ब्रिटिश दौर में ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस, वो सारे बेस करते थे रेवेन्यू कलेक्शन पे, स्टेट के लिए रेवेन्यू, और उस वक्त रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स सिर्फ ज़मीनें थी, काश्तकारी थी, उससे तवान लगान्स कान सारे आते थे, तो वो सिस्टम अब कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री में शामिल है, एक सिस्टम बना हुआ है। अब तमाम बाकी भी जितने नए नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट के आते हैं तो उसको स्पेयर हेड करता है, उसको हेड करता है डिप्टी कमिश्नर, फिर उसके आगे जो नीचे तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो तमाम रोल अज्यूम कर लेते हैं जो एक डिज़ास्टर मैनेजर का होता है, हम फिर उन्हीं के ज़रिए से पुश करवाते हैं, उन्हीं के ज़रिए से एक डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हमारा रेप जो है वो असिस्ट कर रहा है डिप्टी कमिश्नर को, हमारा काम ये है कि हम तमाम एनालिसिस करके उनको प्रोवाइड करें, फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये आपके गैप्स हैं उनको फिल करें, ये हुआ है कि नहीं हुआ, ये हुआ है कि नहीं हुआ, एक ऑल टाइम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम काम कर रहे होते हैं,
डिप्टी कमिश्नर का तो किसी वक्त कोई और फोकस भी हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस वही रहता है। और जब भी कुछ होने लगे जी जी, तो जब भी कुछ होने लगता है तो फिर हम उनका फोकस इधर डाइवर्ट करवाते हैं, कहते हैं ये भी जरूरी है, ये देखो जागते रहो। और वो जागते रहो के साथ साथ ये भी कि क्या क्या करना है, और ये गैप्स हैं, उस गैप्स की आइडेंटिफिकेशन पे काम होता रहता है। अब इसमें अब मैं आपको फर्दर एक बात बताऊँ कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको अपना ये प्रोविंशियल जो एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर है इसको जी यहाँ बनाया हुआ है प्रोविंशियल लेवल पे पीओसी जी, पूरे पंजाब को देखते हैं और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीईओसी के नाम से हमने बनाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर। ये प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है हमारा सूबाई लेवल पे, और इसका 24/7 रबता होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के साथ ही बने हुए हैं। NDMA से हमारा डायरेक्ट होता है, 24 घंटे होता है, 24 आवर लहजान होता है, वो हमसे रबते में होते हैं बार बार व्हाट्सएप पे, टेलीफोन कॉल पे, तमाम सूबियों को वॉच किया जा रहा है। बिल्कुल फेडरल लेवल, ये एक ऐसी एक्टिविटी है ना जिसमें बाज़ोकात एक सिंपल सी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मसला हुआ है तो वहां से हम साथ वाले डिस्ट्रिक्ट से भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बैठ के पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये रिसोर्सेज हैं, इसमें ये हैं, इसमें ये हैं, इसमें ये हैं। इस पे बड़ी बात होती है ना, देखें अब एक तो PDMA की तरफ से भी मैसेजेस जाते रहते हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी जाती है, अखबारों में इश्तहारात भी जाते हैं, और फिर हमारी जितनी रिस्पांस एजेंसीज हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, कमेटीज़ हैं, वासाज हैं, ये सारे जो इस शोबे में काम करते हैं उनके ज़रिए से भी हम अवेयरनेस कैंपेन करवाते रहते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लिंक किया जाए। पिछले दिन हमारी एक मीटिंग हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो उनको मैंने यही कहा कि यार देखें आपने अभी स्कूल्स खुलने हैं, एक तो फौरी तौर पर चेक करवाएं कि आपके स्कूलों की सारी छतें साफ पड़ी हैं कि बारिशें हो रही हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें ना, डिजास्टर का कोई पता नहीं कि खुदा ना खास्ता बच्चे जाके बैठे हैं बारिश हो रही है ऊपर पानी खड़ा है 3 महीने से। अगर बच्चों को ये अवेयरनेस दी जाए तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी अपने घर माओं को, अपने फादर बहनों को जाकर समझाए कि ये चीजें नहीं फैली हैं। अगली बात हमने जो हाईलाइट की, ये डायरेक्शन इशू हो चुकी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर की जा रही है। एक और बात मैंने उनको रिक्वेस्ट की, दो एस्पेक्ट हैं, ये अब डिजास्टर का कह रहे हैं ना कि अब बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से लोगों को छतों पे भी करंट लग जाता है, बच्चों के इस तरह के वाकयात हमारे पास तो रिपोर्ट आ रही है ना, बिल्कुल सही। अब हम इन रिपोर्टों से लर्न करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की और उस पर भी रिएक्शन चली गई हैं कि एक तो स्कूलों के अंदर जितनी वायरिंग शायरिंग है कोई वो चेक करवाई जाए कि उसमें कोई मसला ना हो, ताकि बच्चे जाएँ तो वो ना हो, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है और उन्होंने इस पर रिएक्शन जारी की है। स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उस पर काम पहले भी करता रहा है, दरमियान में कुछ गैप आया है तो उसी पे मुसलसल लगे हुए हैं। एक बच्चों को अगर हम ये बता दें कि भाई आपने बारिश हो रही हो तो छत पे खेलने नहीं जाना, एक बात है, माँ बाप एहतियात करें, लेकिन ये माँ बाप से ज्यादा जो है ना बात स्कूल में ज्यादा समझ आती है। स्कूल में जब हम बताएंगे तो बच्चे माँ बाप को बताएं जाके, तो ये छोटे छोटे मैसेजेस हम इस तरीके से भी इम्पार्ट। डायरी आजकल तो बच्चों को डायरी होती है उसमें लिख दिया जाता है कि ये बच्चों को टीचर अच्छे तरीके से एक बात बता दे ना तो बच्चा पिक कर लेता है, कुछ ना कुछ उस पर अमल करता है। इतने पहले टीचर्स की वर्कशॉप तो होना कि क्या समझाना वो सारी। अच्छा, एक खूबसूरत बात ये है कि अभी एक ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा है टीचर्स का, तो उनके उस मॉड्यूल में भी ये बात डाली हुई है कि जनाब ये चीज़ें हमने आगे इंश्योर करनी है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, अगर हम समझें ना डिजास्टर से बचना, डिजास्टर को मैनेज करना, आइडेंटिफाई करना कि किन चीज़ों से डिज़ास्टर या लॉस हो सकता है, इसका इदराक अगर मेरे पास आ गया है डाटा की बुनियाद पे, तो मेरा काम है मुतलका डिपार्टमेंट्स को बताना, मुतलका डिपार्टमेंट्स जो जो मैयर ले सकते हैं वो लें। अच्छा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी जो आप फरमा रहे थे कि अर्बन फ्लडिंग के हवाले से, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मे बी रॉन्ग हो, कि वहाँ पर दो ऐसे शहर हैं पंजाब के अंदर जहाँ पर हर साल को ना को हादसे रूनमा हो जाते हैं, जैसे नाला लई है रावलपिंडी के अंदर, वो शहर के अंदर से गुजरता है और हर साल, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अल्लाह करे ऐसा कोई साल गुजर जाए जहाँ पे हादसा ना हो, वहाँ पे बहुत सारी हलाकतें हो जाती हैं, बहुत सारा माली नुकसान हो जाता है लोगों का, तो उसके लिए क्या PDMA कर रहा है?
देखिए उसके ऊपर एक कम्प्रहेंसिव प्लान NDMA और PDMA की तरफ से बन के डिप्टी कमिश्नर वहाँ के और कमिश्नर साहब और जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस पर काम कर रहे हैं। उसमें इश्यूज दो तीन तरह के हैं। एक तो वही बात है ना कि जब हम जागे हैं तो उस वक्त तक बहुत सी रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। एक तो उन रुकावटों को खड़े खड़े हटाना भी एक इशू होता है, फिर उसका नेचुरल फ्लो इतना ज़्यादा आता है क्योंकि पीछे एरियाज ऐसे हैं जहाँ से कैचमेंट में पानी आता है, कमोलेट होकर आता है, स्पीड बड़ी होती है। एक तो ये एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा नाला लई के हवाले से जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह एक आध के ज़्यादा नहीं हुआ और हम मॉनिटर कर रहे हैं। ये सारा वो इफेक्टिवनेस है एडमिनिस्ट्रेशन की, RDA की, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और मुतलका वासा अथॉरिटीज़ की, उस पर मुसलसल काम कर रहे हैं। NDMA भी इनको डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहा है। अच्छा, उसके अंदर ये है कि एक तो एहतियात करनी होती है कि जब ये पानी आना ही आना है तो हम उसको बचाव करें। दूसरी बात यह है कि जब उस पर पानी ज़्यादा आ गया है उसकी डिसिल्टिंग के भी इशू हैं, जहाँ जहाँ रुकावटें पुलों जहाँ कहीं कहीं पुलें बनी हुई हैं उसके नीचे रुकावटें आ गई, उनको सफाई की जा रही है। वो एक ह्यूज टास्क है जिसको मुसलसल किया जा रहा है, उसकी वजह से डिज़ास्टर या नुकसान वहाँ कम होता जा रहा है ग्रेजुअली। लेकिन अहम बात यह है कि जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो आपने उन अवकात में उन 8-10 घंटों में अपने आप को बचाना है। अगर हम उससे पहले ये मैनेज कर लें कि इस वक्त पानी आना है और वो पानी आने से पहले पॉपुलेशन अलर्ट हो जाए, वहाँ से साइडों पे लोग हो जाएं, तो लॉस से बच जाएंगे। अब ये जो सिस्टम है जो मैं आप बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो महकमा मौसमियात है नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे उनकी शाखें हैं, हमारा इस वक्त सबसे अहम काम है उनसे रबते में होना। हम मुसलसल बल्कि हर 2 घंटे के बाद उनसे रिपोर्ट आती है और हम मुसलसल बार बार फ़ोन करके भी चेक कर रहे होते हैं। हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिससे हम वेरिएट करते हैं, हमें अंदाजा तो हम उनसे बात करते हैं। अच्छा फारूक साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले नाला लई की हम बात कर रहे हैं तो नाला लई की अगर मैं बात करूं तो नाला लई देखिए ये हिफाजती तदाबीर तो इख्तियार की जा सकती हैं, PDMA मुतलका वहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि आबादी उसके राइट लेफ्ट में बहुत ज़्यादा है। ये तो हुकूमत वक्त का काम है कि उस नाले को किस तरीके से कवर किया जाए और उस पर, क्योंकि वो फंड्स छोटे फंड्स का काम नहीं है, वो बहुत अरबों के फंड्स चाहिए फिर जाके वो नाला लई जो है कवर होता है। जिस तरह लाहौर में समनाबाद वाला इस तरह नाला था उसको गवर्नमेंट ने कवर किया, तो वो भी गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ पे फंड दे। PDMA या मुतलका DC RDA वो तो ये कर सकते हैं, अलर्ट वहाँ पे जारी कर सकते हैं कि अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें या उसको साफ़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह पहले बताया कि बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और हमारे साथ आज खालिद मसूद फारूका साहब डायरेक्टर ऑपरेशन PDMA मौजूद हैं। खालिद साहब, आप खैर नाला लई को तो हम डिस्कस कर रहे थे, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा मंसूबा है उसको। अच्छा, अभी जो जिस तरह बारिशें हालिया हो रही हैं, बहुत सारे इलाकों में सैलाब भी मतलब खदशात हैं, कुछ एरियाज़ में पानी ज़्यादा भी आ गया, तो इस सूरत में PDMA क्या कर रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस वक्त तक जो बारिशें हुई हैं, एक तो बारिशों से कुछ लॉस हुआ है, तकरीबन 57 डेथ्स अभी तक पूरे पंजाब में बारिशों की वजह से, मकान का गिर जाना, छत का गिर जाना, बिजली का करंट लग जाना, पूल के अंदर करंट आ जाना और कहीं पानी इकट्ठा हो गया पूल तो कोई चीज़ गलती से बचा। पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में 57 आपके पास फिगर है जी बारिशों की वजह से। दूसरा एस्पेक्ट इस वक्त जो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं आई क्योंकि पानी पहले ही दरियाओं में कम था और बारिशें हो रही हैं तो डैम भर रहे हैं और अगले स्टेप पे हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट होती है अगली बारिशों से। लेकिन फ़िलहाल 2 जगह पे हमें प्रॉब्लम आया है, एक मियांवाली में एक नाला टॉरेंट हिल टॉरेंट है, नाला बड़ूच उसको बोलते हैं, मियांवाली में कमर मशानी तहसील है ईसा खेल, उसमें कमर मशानी का इलाका है, उसमें 4-5 जो गाँव हैं उसकी पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है, पानी आया वहाँ पर ज़्यादा। वहाँ पे इस वक्त हमारे 4 रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं, वहाँ 2000 से दरिया सिंध गुजरता है जी, दरिया सिंध गुजरता है वो तो साइड से, लेकिन ये वाले जो लोग मुतासर हुए हैं ये पीछे पहाड़ियाँ हैं कोहे सुलेमान की, उससे पीछे जो पहाड़ों में बारिशें हुई हैं पिछले इलाके में, वहाँ से पानी मुसलसल पहाड़ी नदियों से फ्लो तेज़ होकर एक्यूमुलेट होता है, जहाँ जहाँ रास्ते बनते हैं तो नेचुरल फ्लो जहाँ पहाड़ी बाहर ख़त्म होती है वहाँ से, बस जब वो निकलता है इकट्ठा पानी तो फिर उसको रोकना मसला होता है। तो उसका यही होता है कि एक इफ़ेक्टिव प्लान क्योंकि पहले बना हुआ था कि अगर पानी आएगा तो लोगों को कहाँ से निकालना है, कहाँ रखना है, वो फिर 4 रिलीफ कैंप्स इस वक्त चल रहे हैं,
मियांवाली के उसी का। अच्छा अच्छा, ये मैं कोई सवाल करने वाला ही था कि एमरजेंसी की सूरत में सिर्फ आप उस वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं या ऐसे इलाकों में पहले कोई रिलीफ कैंप लगाते हैं वहाँ? देखिए, एक एक्सपेक्टेंसी होती है, मतलब मुतवक्की हालात के मुताबिक हमारा प्लान पहले पूरा तैयार होता है कि अगर वहाँ आ जाए तो हमें पहले पता था कि फ़लाँ फ़लाँ जो जगह है ये गवर्नमेंट की ओन्ड है या ये प्राइवेट है, इस जगह पे एक्सेस बेहतर है, यहाँ जहाँ कैंप्स लगने हैं वहाँ हमारी टीमें पहले पहुँच जाती हैं तैयारी करके कि ये इधर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ एक्सपेक्टेड है कुछ हो जाएगा। बाज़ात हिल टॉरेंट का तो हमारी एक्सपेक्टेशन से हमारे तवक्को से भी जल्दी आ जाते हैं और हमें पता नहीं भी चलता, लेकिन उसके लिए भी हमारे अलर्ट रहते हैं, अलर्ट होते हैं कि भाई अगर हुआ है तो विद इन हाफ एन आवर हमारी टीमें भी पहुंचेंगी। ये जो सीज़न होता है ना, मसलन अगर हमें पता है कि जी 15 जून से 15 अगस्त के दरमियान इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है, टीमें बन चुकी होती हैं, जितने पैसे वगैरह मुख्तलिफ जगह पर देने होते हैं वो दिए जा चुके होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ वेंडर ठेकेदारों के साथ अपने, हम उसको कहते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट, वो तय कर लिए होते हैं कि अगर एमरजेंसी होगी तो हमने ये चीज़ें ख़रीदनी आपसे, आप 10 घंटों में 24 घंटों में ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसमें फूड भी होता है, सारा कुछ होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारा ये कमर मशानी में हुआ तो आधे घंटे में हर चीज़ इन प्लेस थी, टीमें रेस्क्यू 1122 जो है एक इफेक्टिव पंजाब की है, सो ये हमारी फोर्स है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से PDMA की, ये फील्ड फोर्स है, उन्होंने वैकेशन का काम शुरू कर दिया। जी हायर करते हैं, वो हमें हमारा साथ ही काम साथ करते हैं, जैसे सारी एजेंसी करती हैं और वो तो डायरेक्ट हमारी फोर्स डिक्लेयर कर दी गई है एज़ परला। तो आधे घंटे में सारी चीज़ें जब इस्टेब्लिश हो जाएँ, कैंप्स लग जाएँ, लोगों की वैकेशन शुरू हो जाए, तो मियांवाली के अंदर 141 जो मुख्तलिफ लोगों को पानी से निकाला गया और उनको उन कैंप्स में रखा गया, और उसके अंदर अगर टोटल फैमिली कमर मशानी के इलाके में 4 कैंप्स के अंदर मुख्तलिफ लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ पे उनको कुक्ड फूड प्रोवाइड, रेस्क्यू किया आपने, रेस्क्यू किया जो पानी में गिर गए थे, कुक्ड फूड दिया जा रहा है उनको। इससे फूड का खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA की डिस्पोजल पे फंड रखे हुए हैं जो हम अपने DDMAs की डिस्पोजल पे भेज देते हैं। ये कितने दिन तक आप दे सकते हैं ऐसे? ये पहले तो हम 10-10 मिलियन हर डिस्ट्रिक्ट को दे चुके होते हैं, अब वो फुली अख्तियार है उनको, जैसे ही कुछ होता है फ़ौरन उससे ख़र्चा करें, ठीक, गज़ाई ज़रूरियात तमाम, एमरजेंसी में कोई चीज़ मेडिसिन वगैरह अवल तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाती हैं, अगर कोई चीज़ लेनी भी पड़े, इवन जो जानवरों का चारा है जिन जानवरों को वहाँ से एवेक्यूएट किया जाता है, ज़ाहिर है रूरल एरिया में तो प्रॉब्लम वो भी इसी आपके फंड में भी हो जाता है, कुछ लोग अपने तौर पर भी मैनेज कर लेते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसी फंड से वो भी दिया जाता है, और फंड अगर ख़त्म हो रहा हो तो रिकू कर दिया जाता है, क्योंकि ये इसके इसका एक अच्छा सिस्टम इन प्लेस है, इफेक्टिव, और इस पर गवर्नमेंट कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन जब अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो उसके तीसरे दिन डिज़ास्टर के हवाले से जो फंड्स थे वो डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए, यानी इसको प्रायोरिटी गवर्नमेंट इतना देती है कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चलनी चाहिए कि अगर कोई मसला होता है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अब वहाँ पे ये चल रहा है, इसी तरह राजनपुर में दो एक जो हिल टॉरेंट है उनकी वजह से प्रॉब्लम आए हैं हमें, राजनपुर में हमारे इस वक्त इफेक्टिवली ज़्यादा काम करने की जरूरत हो गया, राजनपुर में ज़्यादा होती है, मियांवाली में कभी कभार आते हैं हिल टॉरेंट की वजह से, इस दफ़ा आ गया, बैकवर्ड भी बहुत ज़्यादा ना, थोड़ा बैकवर्ड भी समझ लें, थोड़ा उसकी लोकेशन इस तरह की ऑड है और उस तरह का है, हॉट एरिया तो है ना, पानी की भी वहाँ बहुत, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों की तरफ तो पानी की गहराई नीचे चली जाती है, हालांकि वहाँ दरिया सिंध साथ ही गुजर रहा होता है लेकिन वो उसका पानी तो नीचे ही जा रहा है ज़मीन में, और जो ज़मीन के साथ साथ दरिया के जगह वहाँ पानी नीचे कम गहरा है, और जहाँ ऊपर जाते हैं तो पीने के पानी के भी मसाइल होते हैं, वो एक अपनी जगह हॉटनेस है उनकी। लेकिन राजनपुर में भी हमारे 481 जो लोग हैं उनको एवैक्यूएट किया गया है, और इस वक्त इफेक्टिवली 4 कैंप जो हैं, एक तहसील राज जो रिलीफ है रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं, और सिमिलरली वहाँ पे अच्छा बात फिर वहाँ पे PDMA का डायरेक्ट अमला है या वहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट से जो है लिया हुआ अमला है, रेवेन्यू का अमला आपके पास? देखें, रेवेन्यू का अमला भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अमला है और वो PDMA का ही अमला है, और डिप्टी कमिश्नर भी समझ लें अब PDMA का ही है, वो भी PDMA के ही हैं, हम सब PDMA। और मज़े की बात यह है कि जिस वक्त कोई एमरजेंसी में ऑपरेशन शुरू होता है तो समझ लें सारे डिज़ास्टर मैनेज कर रहे होते हैं, तो इन दैट केस ऑल आर PDMA। अच्छा, इनको जो है जो रिलीफ कैंप में होते हैं लोग, ये बाकायदा तरबियत याफ्ता होते हैं? जी, रिलीफ कैंप में जो काम कर रहे होते हैं उसमें एक तो हर महकमे के लोग होते हैं, 1122 की फोर्स के लोग होते हैं, जिनको ये तजर्बा है, उनके पास बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, उन्होंने जाके इवैक्यूएट उन्होंने करना है,
उनके साथ वॉलंटियर भी रजिस्टर करके दिए होते हैं, जिनको ये काम आता है उनको चेक करके साथ रखा जाता है। लेकिन फिर वो काम सिर्फ ये इवेक्यूएट करना सिर्फ नहीं है ना, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का साथ उस जगह पे बैठे होते हैं, मेडिसिन वगैरह किट लेके साथ लोगों को ट्रीट किया जा रहा होता है, मतलब तमाम महकमे जो है वहाँ पे एक कैंप होता है। अच्छा, पूरा प्रोग्राम हमने इस पे कर दिया सिलाब पे, इसके अलावा भी तो बहुत सारी कुदरती आफत, जलजिला भी आता है इसमें। पिछले दिनों आपके मुल्तान साइड से इधर जनूबी पंजाब से होता हुआ ये जो सेंट्रल पंजाब है उसमें टिड्डी दल ने हमला किया जो सिंध से निकला, जिसने करोड़ों लाखों की तादाद में एकड़ जो रकबा था लोगों का, फसलें थी वो तबाह कर दी, तो उसमें भी आपके दायरे में देखिए, क्योंकि इस वक्त रेलेवेंट ज़्यादा फ्लड और बारिशें थी तो इस पर ज़्यादा बात हो गई। अब देखिए, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये लोकस्ट वाला जो टेडी दिल वाला है ये भी हमारे डोमेन में आता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि किसी भी ऐसी आफत या नई चीज़ जिसके बड़े स्केल पे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी के मुतासर होने का इम्कान हो वो हमारी डोमेन में आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर ये टड्डी दिल वाला भी था। अगर ये तक नया था ना, देखिए सिलाब आता है आपको पता ही आना है सिलाब, हमने ये करना है, टड्डी दिल का तो नहीं पता था उसके लिए क्या, इससे बिल्कुल उल्टा होता है। टड्डी दिल पे भी बात करते हैं, उससे पहले एक बात मेरे जहन में आ गई है कि बाज़ इलाकों में बारिश ना आना एक इशू है। अब जैसे चुलिस्तान है हमारा डेजर्ट है, वहाँ पे बारिश काफ़ी अर्सा नहीं आई, पानी की कमी हो गई, लोगों की जानों माल को जान को ख़तरा हो गया, साथ उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जानवर होते हैं उनको ख़तरा हो गया, तो उसकी रेस्क्यू के लिए भी हमारी तरफ से हलाकते भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एरियाज आइडेंटिफाई करके मुतलका डिस्ट्रिक्ट के डिस्पोजल पे अपने वाटर बाउजर भिजवाया, जो पानी को बड़े पैमाने पे ट्रांसपोर्ट करके उनके जहाँ जहाँ पॉपुलेशन थी वहाँ पे वो सर्व किया जाता था, वो किया जाता था। वहाँ सबसे बड़ी इनपुट इसी की ही ज़रूरत थी। नहीं तो वहाँ पे देखिए ये पानी के पाइप्स का बड़ा सिलसिला चलता, तो ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं आप गवर्नमेंट को देते कि वहाँ पे इन एरियाज में पानी पहुँचाया जाए, क्योंकि नीचे पानी तो बहुत उनकी गहरा जाना पड़ता है, अगर पाइप लगा दीजिए। नहीं, अगर आप चुलिस्तान जाए ना तो वहाँ स्कैटर्ड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मसलन मैं रहा हूँ तो एक 50 किलोमीटर इस तरफ जाके एक उसको हम टोबा बोलते हैं, जहाँ पानी नेचुरल बारिश जब होती है तो उसका पानी एक्युमुलेट हो जाता है। अब लोगों की ख्वाहिश होगी कि वहाँ आबादियाँ मशहूर होती हैं, टोबा फलां कालू वाला टोबा, कलर वाला टोबा, फलां वाला टोबा, एक एरिया होता है। और मैं एक दफ़ा मेडिकल कैंप करवाने गया था जब मैं रहीम यार खान पोस्टेड था, तो 80 किलोमीटर हम अंदर गए डेजर्ट चुलिस्तान के अंदर, और वहाँ जाके एक टोबा पे पहुँचे, और उस टोबा से चारों तरफ 10-15 किलोमीटर की रेडियस से वहाँ औरतों बच्चे आ रहे थे, वहाँ से पानी भी भरते थे। हमने एक टोबा इसलिए आइडेंटिफाई किया, मैंने पूछा अगला टोबा किधर है, उन्होंने कहा ये 60 किलोमीटर फलां जगह है, ये इस तरफ है, वो तो अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी इस तरह नहीं है, और उस पानी को पाइप के जरिए वहाँ पहुँचाना और उसको रुक आफ्टर करना वो एक एक और काम है। बिल्कुल ऐसे वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। बाहर के उसके मसाइल हल किए जा सकते हैं, कई रास्ते होते हैं उसके, उनको वहाँ कैसे फिर उधर कई जगह पे पानी एक तो वहाँ चुलिस्तान में गहरा बहुत है, फिर उसकी जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ कुएँ भी खुदे हुए हैं और वहाँ एक ख़ास तरीके से पानी निकाला भी जाता है, और जहाँ नहरें पहुँच गई हैं ना जहाँ जहाँ पे वहाँ फिर नहरों के किनारों पे हैंड पंप और मोटरें लगाई गई हैं जहाँ से पानी दी। ये सारा एक सिस्टम है जो ग्रेजुअली फैल रहा है, बहुत सा काम होने वाला है। तो गवर्नमेंट के साथ ये बहुत सारी ऐसी NGOs जो ब्राय नाम NGOs मैं कहूँगा काम कर रही हैं, कुछ तो अच्छा काम कर रही हैं, तो वो एक फोटो सेशन के लिए करती हैं, उनको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके वहाँ पे हैंड पंप इस तरह कुछ। हाँ, PDM में इस पे भी काम कर रहा है कि NGOs की जो इनपुट हो ना, जो डिज़ास्टर के हवाले से काम करना चाहें, वो कोई ऐसी मटेरियल चीज़ दें जिससे कुछ खास आबादी के कुछ खास अरसे के लिए तो फ़ायदा होना, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन थिंग्स वो काफ़ी नहीं होता। हाँ, इसकी ज़रूरत होती है, फूड हैम्पर की ज़रूरत है। पिछले दिनों एक NGO है उसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया कि हमारे पास कुछ 100 के लगभग हैंड पंप का वो है, तो आप बताएं कहाँ पर। मैंने कहा यार हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसी कोई जगह नहीं है, वहाँ पे तो है, आप इधर चुलिस्तान वाली साइड yes. वहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उन्हें हैंड पंपों की, यहाँ तो आजकल मोटर सिस्टम है, लाइट हर जगह है, यहाँ पानी हैंड पंप की ज़रूरत, वहाँ पर जाएँ उधर। यहाँ फिर एक ख़ास किस्म के हैंड पंप्स होते हैं जो ज़्यादा गहराई से पानी ईजिली खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो वाले हों तो वो भी मुख्तलिफ जगह पर लगवाए। अच्छा, टिड्डी दिल के लिए क्या किया आपने? टड्डी दिल के लिए तो जाहिर है जिस वक्त ये चीज़ यकदम आई है तो उसकी तैयारी के लिए सबसे अहम तरीन बात ये थी कि उस स्प्रे प्रोवाइड किया जाए, वहाँ जाके एक पूरा गाड़ियों का फ्लीट अवेलेबल किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और उनकी मदद से स्प्रेज और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई, डिस्ट्रिक्ट से हमने बंदे लिए, उनकी मदद से वहाँ जाके उनको, जाहिर है असल में तो उनको वहीं ख़त्म करना ही होता है ना, तो इस पर
प्राइमरीली तो यही इनपुट दी गई कि जहाँ जहाँ भी ये अटैक आ रहा था, जैसे समझ आ गई कि अब इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, मुतलका जगह पे मुतलका इक्विपमेंट सामान स्प्रे मशीनें एट्सेट्रा वो सारा प्रोवाइड की गई, लाइट्स जिस तरीके से भी अट्रैक्ट करने का सिस्टम था वो किया गया, और अब फ्यूचर प्लानिंग में उसको रखा गया है उसकी बाकायदा एक तैयारी के साथ, कितनी व्हीकल उसके लिए तैयार रखनी है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे करना है, हमारे वेयर हाउस पर ये चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए। अच्छा, ये टिड्डी दल पे ठीक है स्प्रे और सारे जो हिफाजती इकदाम थे जो सोर्स थे वहाँ पे किया। अच्छा, कोरोना आया इस पे क्या काम किया आप लोगों ने? कोरोना में तो पीडीएमए ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जो हमारी सेंट्रल एक कमेटी बनी हुई थी उसकी मदद से बहुत काम किया। देखिए, कोरोना की फिर वही चीज़ें थी कि एक तो हमने अपने मेडिकल स्टाफ को इक्विप करना था, उस पर बहुत काम हुआ, उनको जो किट्स वगैरह बनवा के दी गई मुसलसल उसकी सारी प्रोविजन, उनको मास्क प्रोवाइड किए गए, उनको जो स्पेशल मेडिसिन वगैरह आनी थी वो प्रोवाइड करवाई गई। पहले इनिशियली तो सबसे पहले फोकस इस पर किया गया, फिर जितने भी जो कोऑर्डिनेशन, एक होता है स्टडी या एनालिसिस के कहाँ क्या हो रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने टेस्ट हुए हैं, फलां हॉस्पिटल में इतने टेस्ट हुए हैं, उन टेस्ट में इतने इतने पॉजिटिव आए हैं, फिर उनकी जो आइडेंटिटी होती है उसको लोकेट करना कि कोई मज़ीद पेशेंट आ गए हैं तो वो किधर हैं, ये तमाम पीछे जो इन्फॉर्मेशन को पूल करके रखने वाला काम था ना, जिसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी फैसले मतलब कर रहे थे। में स्टार्ट में कोरोना पेशेंट को जो उठा के लेके जाते थे, जी जी, उनकी तो अड़ा भी किरदार सी नाज़रीन, वो सबका किरदार था और हम उस कोऑर्डिनेशन एफर्ट को कोऑर्डिनेट हम कर रहे थे। फरूका साहब का भी किरदार है, पीडीएमए का किरदार था, मतलब ये है कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे तमाम चीज़ों को। फिर अगले लेवल पे चले जाएं तो अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं उनका भी करवाया गया, करना वही रिस्पांस एजेंसीज ने फील्ड में होता है, लेकिन अहम तरीन बात ये होती है कि हालात किधर जा रहे हैं, ठीक है, फर्दर स्टडी क्या आ रही है, किधर रो। अच्छा, उसमें कोरोना में एनडीएमए और पीडीएमए ने वाकई बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। अभी बारिशों के सीज़न में डेंगू जो है मच्छर पैदा होने का खदशा होता है और उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ पहले जब डेंगू आया था रोज पे, उसके लिए भी पीडीएमए कुछ करता है क्योंकि ये भी तो कुदरती आफत में आता है। देखें, वो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब होता है हमारा काम होता है कि अब ये सीज़न आ गया तो उसको अलर्टनेस दे दें कि जी इसमें ये मुतलका अदारे जो हमको वो इसको पहले नंबर पे तो अलर्ट हो जाए ना, हम फिर उस पर ये नज़र रखते हैं कि इसका फैलाव कितना है, जैसे जैसे अगर हमें लगे कि फैलाव बढ़ रहा है तो उतना हम अलर्टनेस का लेवल और मुख्तलिफ एजेंसीज के इन्वॉल्व करवाने का जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाते चले जाते हैं। बाकी सारी चीज़ तो होती है अवेयरनेस कैंपेन पे, और फिर हमारे जो लोग हैं मुख्तलिफ महकमे हैं उसकी एक प्रिवेंशन का मैकेनिज़म कुछ अरसे से हमारे पंजाब में काम कर रहा है कि जैसे अब सीज़न शुरू होना है सितंबर मिड से आगे अक्टूबर में तो बिल्कुल पीक पे चला जाता है, डेंगू में थोड़ा सा गर्मी कम होनी है तो मच्छर ने निकल आना है, हम उस वक्त से जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है मुख्तलिफ काम शुरू कर देती हैं, वो जो डोर टू डोर जाके चेक करते हैं, वाटर पूलिंग तो कहीं नहीं हो रही, वो चल रहा है आजकल, ये सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं हम सब कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और जहाँ उस पूरे डाटा का एनालिसिस ले रहे होते हैं, अगर कहीं गड़बड़ हो रही होती है, कहीं लैक्सिटी होती है, उसको पॉइंट आउट किया जाता है, मुख्तलिफ फोरम पर उसको हाईलाइट किया जाता है। हाँ, एक खास हद तक ये काम रूटीन में चल रहा होगा डेंगू का, लेकिन अगर हमारा एनालिसिस जब बताना शुरू कर देता है कि अब ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं तो फिर फुल इंटेंसिटी, फिर उसको इमरजेंसी डिक्लेयर करके फिर वो डिजास्टर के तौर पर हम डील करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हर चीज़ को हम पहले नंबर पे डिजास्टर में नहीं ले जा सकते, बिल्कुल जाहिर है जब तादाद बढ़ेगी वो कंट्रोल, लेकिन हम नजर रख के बैठे होते हैं कि फ्लू तो कोई भी बीमारी आ सकती है वो। अच्छा, इसमें खान साहब कोई भी चीज़ है कुदरती आफत, कोई हो सैलाब हो, उसमें आप जलजिला ले लें, उसमें ये बीमारी आ गई, टिड्डी दल ने हमला कर दिया, इस तरह कोई भी आ जाती है इमरजेंसी की सूरत में पीडीएमए काम करता है। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट में आपने कहा कि हम आपके पास एक बाकायदा एक सेल बनाया हुआ है जो उसको वॉच करता है इमरजेंसी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है। अच्छा, उसमें मैं चाहूँगा कि आप विजिट करवाएं कि पीडीएमए वाकई काम कर रहा है या सिर्फ आप प्रोग्राम के हद तक हमें सिर्फ मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें वो विजिट करवाएँ और आप बताएं कि कहां कहां से कैसे कैसे जो है, और फिर उस प्रोग्राम के दौरान एंड पे वो इमरजेंसी जहां पे आप कॉल रिसीव करते हैं वो नंबर मेरे नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि इस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, तो चलें वो विज़िट करें। जी, हम इस वक्त जो पीडीएमए का कंट्रोल रूम है जहाँ से पूरे पंजाब को जो है देखा जा रहा है, यहाँ पे मीडिया सेल भी है और ये पूरा अमला बैठा हुआ देख रहे होंगे आप लैपटॉप और ये टेलीफोन लाइन
रख के सामने, और ये पूरी स्क्रीनें नज़र आ रही हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल और सूबाई सतह पे ये तमाम चीज़ें जो उनको वॉच किया जा रहा है। खाल सब ये क्योंकि मेरे लिए तो ये नई चीज़ है, मैं तो अब मुझे तो ये समझ आ रही है कि पीछे ये आपका मीडिया सेल है, इसको वॉच कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये स्क्रीनें किस चीज़ की लगी हुई हैं। तो इस बारे में आगा करें कि कंट्रोल रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये आपकी टीम जो है, ये अगर मेरा दिखा सके कैमरा मैन वहाँ से लेके, ये टीम का क्या काम है, ये जो बैठे काम कर रहे हैं जी? पहले तो आपने ख़ुद देख लिया कि एक हमारा मीडिया वॉच का सिस्टम भी है। हम कंट्रोल रूम में आते हैं तो एक बात समझ लें कि हमारा कंट्रोल रूम 24/7 चल रहा है, 3 शिफ्टों में चल रहा है। हर शिफ्ट के एक PDMA की तरफ से इंचार्ज होता है, इसके अंदर 1/4 स्टाफ ऑलवेज PDMA का बैठा है, और बाकी जितने दोस्त होते हैं, जिस तरह का मसला चल रहा है, जैसे आजकल फ्लड का सीज़न है तो हम जितने रेलेवेंट महकमा जात हैं उनके रेप्स हमने इधर बिठाए होते हैं, वो अपने महकमों से उनकी फील्ड फार्मेशन से भी आगाह होते हैं, और जहाँ हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन लेने की, कोई डायरेक्शन पास ऑन करने की। अब अगर मुझे राजनपुर में कोई मसला आ रहा है, मीडिया से मुझे पता चला है, किसी कॉलर की कॉल आई है कि वहाँ ये मसला है, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट फार्मेशन से भी पूछा है और मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर ये मुतलका महकमे के लोगों को पता होता है, लोकल गवर्नमेंट वाले को पता होगा कि म्यूनसिपल कमेटी फ़लाँ है, उसका इंचार्ज फ़लाँ है, उससे मैं बात करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई डायरेक्शन लेनी देनी है, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये जो है, ये जो अमला है, ये जो आपके ऑर्डर्स हैं, इस तरह की हदायत है, उनको पास ऑन कर रहा होता है? जी बिल्कुल, पास ऑन कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन ले भी रहा होता है, दे भी रहा होता है। अच्छा, मैं साथ साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये लहरें सी, और ये कहीं ग्रीन, कहीं येलो, कहीं कुछ, ये क्या नज़र आ रहा है? ये एक स्पेशल इंटरनेशनल साइट है जो मौसम को मॉनिटर कर रही होती है ग्लोबली, हम इस पे भी नज़र रखे होते हैं, और इस पे जो हमें समझ आती है उसके मुताबिक हम आगे हिदायत भी देते हैं, और इसकी वेरिएशन मैक में मौसम क्या है। ये जो लहरें नज़र आ रही हैं, बता रहा हूँ आपको बात, अब ये जो लहरें नज़र आ रही हैं, ये है हवा का रुख। ठीक है, ये हवा मुख्तलिफ तरफ से आ रही होती है, अब हमने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये हवा इधर से आ रही है तो पीछे इसका सोर्स क्या है, इसके अंदर नमी कितनी होगी, वो नमी आके कहाँ बादलों में कन्वर्ट। अच्छा, ये जो हमें हम टीवी चैनल्स पे अक्सर देखते हैं कि ये जनाब फलां एरिया से हवाएं जो है इस तरफ रुख कर लिया, बारिश का इम्कान होगा, ये यहाँ से अंदाज़ा लगा, ये इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है, महकमा मौसमियात भी करता है, फिर उनके अपने सिस्टम भी हैं और हमें भी वो गाइड करते हैं, टेक्निकल सारी राय उनकी होती है, हम इससे एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन ले कर उनसे मशवरा करके फिर आगे चीज़ें पहुँचाते हैं। अगर आप ये देखें, इस वक्त ये हमें बता रही है साइट ये लाहौर है, इस तरह का मामला इस वक्त चल रहा है यहाँ पे। नहीं, ये लाहौर में अगर देखें, ये फैसलाबाद है, ये लाहौर है, ये गुजरांवाला है, सरगोधा आ गया आगे, ये यहाँ पे बादल हैं और यहाँ बारिश का इम्कान है, ये आप निशान देख रहे हैं ना, इसी तरह फैसलाबाद में जहाँ येलो है तो इसका मतलब है वहाँ हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। लाहौर, यहाँ पे सरगोधा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और जहाँ ये येलो है वहाँ ज़्यादा है बारिश, जहाँ ये ग्रीन हो गया, ये साहिवाल में ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये हम इससे गेज कर रहे होते हैं। फिर साथ ही हमारी जो टीम बैठी है टेलीफोनिकली मुतलका डिस्ट्रिक्ट में राबता करती है कि वहाँ इस वक्त बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है तो किधर कितनी हो रही है, सारा गेजमेंट, और फिर हम सारा अलर्टनेस का एक हम सुपरविजन शुरू कर देते हैं, और साथ ये भी चेक करते रहते हैं कि सुपरविजन के नतीजे में हमारी टीमें मोबिलाइज हो जाएँ और इन एडवांस अपनी प्रिपरेशन मुकम्मल। अच्छा, ये वो था, ये अब आगे नई स्क्रीन आ गई है, ये 83.3 mm, ये लाहौर से आपने एक डायरेक्शन दी हुई है, ये क्या है? इससे हमें एक गेजमेंट मिलती है कि अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट 3 डेज जो हमारी इस वक्त की एडवाइजरी है, जी अभी फोरकास्ट ये है कि 20-21-22 तक बारिशें होनी है ज़्यादा, और फिर आगे स्कैटर्ड मुख्तलिफ वक्फों के साथ वैसे 26 तक होनी है। ये हमें बता रहा है कि हमने वैसे चेक करने के लिए लगाया हुआ है कि लाहौर में नेक्स्ट थ्री डेज में टोटल एक्यूमुलेटिव बारिश इतनी होनी है, 83.3 mm, ये पूरे लाहौर के जो एरिया है इसके अंदर एक्यूमुलेटेड इतना इफेक्ट आएगा वाटर का, ये हमारा गैस है। मतलब इसमें ये गैस है कि बारिश आनी है 3 दिन, लेकिन इतना ज़्यादा वो खतरनाक नहीं है कि कोई ऐसी सूरत खुदा न ऐसा ही है, लेकिन फिर वो डिपेंड करेगा कि किस पॉकेट में एकदम ज़्यादा हो गई है, ये तो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है ना, हो सकता है कि एयरपोर्ट के एरिया में ही सारी हो जाए, ये अल्लाह के इख्तियार में है ना, ये चीज़ें आप चीज़ें हम साथ साथ देख भी रहे होते हैं, और ये इस तरह है। अच्छा, अब ये है कि आगे और भी बहुत सारी ये चीज़ें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमारी। अच्छा, अब ये एक 3 डेज हॉर्ली फॉरकास्ट, ये क्या है? ये अब यहाँ से देखें ना कि ये बादलों की मूवमेंट दिखा रहा है, ये हमारा पाकिस्तान का मैप है, हमने इसको फोकस किया हुआ है
अब आपने जैसे उसको देखा है, इसी के हिसाब से इधर देखेंगे तो यही बादल जैसे आपको यहाँ मूवमेंट में नज़र आ रहे हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है, यहाँ सरगोधा कहीं फाल करता है, ये सारा इससे बादलों की पिक्चर आ रही है कि किस जगह पे कैसे बादल फाल कर रहे हैं। हम उसको भी देखते हैं कि सारी चीज़ें अगर एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो हमारे लिए इसका मतलब ये है कि इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा या सर्टेनिटी ज़्यादा हो गई है। हम सारा ये प्रिडिक्शन पे और फोरकास्ट पे काम कर रहे होते हैं बारिशों के सीज़न में कि आगे हमने इन्फॉर्म उनको क्या करना है कि भाई ये होने लगा है। मुतलका डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट है और रिस्पॉन्स एजेंसीज हैं मुतलका महकमे हैं कि उनकी अलर्टनेस ठीक होनी चाहिए, रिस्पॉन्स ठीक हो जाए ताकि पब्लिक के जानो माल की हिफाजत की जा सके। आगे फिर ये स्क्रीन आ गई जी, उसी का अगला एडवांस वर्जन है। अब आप इसमें देखें ये मुख्तलिफ एरियाज इसके चल रहे हैं, इसमें बड़ा क्लियर जो है वो नज़र आ रहा है, साथ फर्दर एरियाज भी नज़र आ रहे हैं। ये आप देखेंगे ये टुमारो को दिखा रहा है कि कल के दिन में ये ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा बारिश का। अभी इसमें 31% ये 29% मुख्तलिफ टाइमिंग के हिसाब से हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि इतना इम्पेक्ट, मतलब ये कल का बता रहे हैं लाहौर फैसलाबाद सरगोधा में बारिश का ज़्यादा इम्कान है यहाँ पे। ये इस तरह ये अब सारी एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं देख रहे होते, मुख्तलिफ एंगल से चीज़ें देख के फिर महकमे मौसमियात से भी राय ली जाती है और फिर उनकी एडवाइजरी और हमारी राय मुश्तरका होकर नीचे जाती है। मतलब ये पूरा एक कंट्रोल रूम सिर्फ एक ये नहीं है कि आपका PDM में जो यहाँ देख रहे हैं तमाम महकमों को आपने यहाँ महकमे हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं और हम तमाम महकमों की एकमोलेटिव जो नॉलेज है उसको यूज़ करके फिर सबको बता रहे हैं, मतलब इस तरह का है। अब ये फिर हमारे एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी है, आपका कंट्रोल रूम मैनेजमेंट सिस्टम जी, इसका कंट्रोल रूम मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये आप डिस्ट्रिक्ट जो है उनको देखते हैं क्या? हाँ, ये एक हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है जिसको मुसलसल इम्प्रूव भी कर रहे हैं। जब आप उसमें देखें बटन जो इसके बने हुए हैं, फ्लड है, स्मॉग है, मुख्तलिफ है डेली सिचुएशन, क्योंकि हम एक चीज़ मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जगह पर जो लॉसेज अगर हो रहे हैं जानो माल के तो वो साथ साथ इन्फॉर्मेशन आती जाए, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि वो किस वजह से क्या इंसिडेंट हो रहा है उसके एक अंडरस्टैंडिंग बढ़। ये देखिए ना ये बड़ी है कि यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट की आप कह रहे हैं कि दो इसमें जो है मेल जो है उनकी डेथ हुई है दी। तो ये हम इसको जब पीछे खोलेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, हर डिस्ट्रिक्ट को ये हिदायत हैं जो हमारा वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले जैसे मेंशन आगे बिल्डिंग वॉल रूफ उसका अगर ये क्लैप्स हो रहा है उसकी रीज़न भी उस शीट में आ रही होती है कि किस वजह से कौन सी बिल्डिंग गिरी, फिर हम उसको एनालिसिस करते रहते हैं ना बैठ के कि क्या रीज़न है क्या वाकया हो रहा है। अच्छा ये बड़ी है कि रूट्स जो है उसका भी वो भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें आती है हम उसको पुल कर रहे हैं, मतलब इस तरफ ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम एनालिसिस की तरफ जाएँ फ्यूचर में कि ये वाकयात हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर किसी इलाके में रोड साइड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, मतलब हम अगले स्टेज पे जाएं और अगले स्टेज एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन का ये वैसे बड़ा अच्छा है कि जो चीज़ें आपके अंडर नहीं भी आती उनको भी देख रहे हैं कि ये क्यों हादसा क्यों रोनमा हो रहे हैं, अगर इनको रोका कैसे जा सकता है और रीज़न क्या है वहाँ, रीज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। फिर इसका पूरा एक निज़ाम है जो हम मुसलसल देखते रहते हैं, एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है हमारा उनके साथ, वो व्हाट्सएप भी हमारे ग्रुप्स में रिपोर्टें आती हैं, पोर्टल पर डायरेक्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये मसलन स्मोक का इलाका पीरियड। अच्छा इसमें व्हाट्सएप की बात करूं तो अभी आपका PDMA जो है आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसमें वो हमें हमा वक्त जो है इसमें रबते में रहता है और हमें बताता रहता है कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, बारिशें कहाँ पे आ रही हैं और क्या एमरजेंसी नाफज कहाँ पे की जा रही है, हमें बाकायदा पहले वैसे इतना फॉल सिस्टम नहीं था आपका, अब जो है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फॉल सिस्टम है आपका। देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा हो रहा है, साथ साथ मुआशरे और मीडिया की अंडरस्टैंडिंग हमारे बारे में भी बढ़ रही है, तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और इंशाल्लाह ये स्टेट के इदारे ऐसे ही काम करते हैं, हम इंटरनेशनल इदारों से भी सीख रहे हैं, नेशनल से भी ठीक सीख रहे हैं, आपसे भी सीख रहे हैं, पब्लिक से भी सीख रहे हैं और हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो ताल्लुक है मीडिया के साथ भी, पब्लिक के साथ, इसको हम गहरा बनाएंगे। अच्छा मुझे ठीक है बाकी चीज़ें आप सब इदारों को जगा के रखते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे खड़े खड़े आपके बहुत इस PDMA की अच्छी लगी कि आप रिसर्च करते रहते हैं कि इन इलाकों में अगर हादसा रोड में बिल्फर सिलेंडर फटे हैं तो क्यों फटे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, अगर रोड एक्सीडेंट्स देखें ये बड़ी चीज़ है कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या रोड की वजह थी, ख़राब रोड था, सिंगल था या कुछ और रीज़न है वहाँ पर, इसको कैसे कंट्रोल किया? ये आपने अच्छी बात की, हम अब ग्रेजुअली इसी तरफ जा रहे हैं इसलिए ये डाटा की मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब हमें पता चले कि भी अब यकदम ये टेंडेंसी बढ़ गई है सिलेंडर ब्लास्ट की,
तो हम अलार्म तो करें ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट के मुतलका महकमे को भी, इसमें कोई फलाह है? जब ये इसको पहले इक्का दुक्का होते थे, पिछले महीने में 10 हुए हैं, अब 50 हो गए हैं, तो इसका मतलब है देर इज़ समथिंग रॉन्ग, या फिलिंग के मकाम पे वो सारी चीज़ों को चेक किया जाए। तो ये एक एनालिसिस का होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। सिमिलरली अगर रोड का मसला है तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस एरिया में क्यों ज़्यादा होते हैं, एक डाटा आ रहा है। हम अब इस पे काम शुरू किया हुआ है हमने, तो इंशाल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी यूज़ करेंगे। और ये रिपोर्ट जो है, ये आप हुकूमत जो है वो हुकूमत को प्रोवाइड करते हैं या जो मुतलका इदारे इनको देते हैं? हमारा नया इनिशिएटिव है, हम इस पे अभी काम कर रहे हैं। फर्स्ट इस पे तो अल्लाह करे कामयाब हो जाए आप, ये बड़ा अप्रिशिएट करने वाला आपका। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है, हमारे लिए है तो इसका मतलब है पूरे गवर्नमेंट के लिए है। जहाँ जहाँ जिस जगह हमें फील होता है कि इस एडवाइजरी की ज़रूरत है, फिर हम वो जारी करते रहते हैं। ये आगे ये आपका फिर आ गया, ये जो है ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये आपका पंजाब का है मैप है क्या ये? देखिए ये हमारे में फ्लड के हवाले से है, कोई सिमुलेशन हमारे मॉडल्स बने होते हैं। मसलन अगर आप हम यहाँ से देखते हैं ना, आप इसको जनवरी, ये है जिना बैराज, एक ये हमारा रिवर आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है जी, ये रसूल बराज है, ये मराला है, ठीक है। मुख्तलिफ जो पांच रिवर्स हैं ना, उसको हमने इधर दिखाने की कोशिश की है, तो हमें उसके रास्ते का अंदाज़ा हो रहा है कि ये दरिया यहाँ से आके इसमें मर्ज हो जाएगा और यहाँ से आगे इधर जाना है। अगर आप पीछे से शुरू करें तो ये इधर से जो पानी आता है हट मराला, यहाँ से झेलम आगे इधर। अच्छा, इसमें खाली सबको लाइव सिस्टम भी आपने रखा हुआ है इन एरियाज़ में कि आपको पता चल जाए या बस? नहीं, लाइव सिस्टम हमारा मुसलसल इरीगेशन से रबता होता है और मेट डिपार्टमेंट से रबता होता है, तो जहाँ वो हर घंटे के बाद हमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि फ़लाँ जगह पर पानी का बहाव ज़्यादा हो गया है, फलां जगह पे लेवल कम हो गया है, तो हम उसके तरीके से लगते हैं। ग्रेजुअली अब इसको ऑटोमेशन की तरफ महकमा भी जा रहा है, हमारी एडवाइस भी यही है कि इसको ऑटोमेटेड ऐसे होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो एक फ्लो का पता चल रहा हो। लेकिन अब क्योंकि बहुत सा सिस्टम मैनुअल है, लेकिन उसके साथ हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि इसको बार बार देखा जाता रहे और इन्फॉर्मेशन का फ्लो ठीक रहे, ये ना हो कि यकदम पता चले कि ये हो गया है। तो ये एक हमारी मैपिंग है ना, कि हमें अंदाज़ा है कि अगर ये रिवर इस जगह से होगा तो इसने किधर किधर से गुजर के जाना है। जब हम इसको बड़ा करते हैं और क्लिप से देखते हैं तो हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता इस जगह पे ब्रीच आती है, यहाँ से पानी निकलता है, तो इसके इर्द गिर्द कितना एरिया ज़ेरे आब आ सकता है, ये सारा चीज़ है। तो ये नीचे तक सारा जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, पंज नद तक आप नीचे अब देखेंगे ना, ये पंज नद है। अब पंज नद है, आपको पता है अलीपुर के पास जाके वहाँ पर पाँचों दरिया हमारे उनका इम्पैक्ट इकट्ठा हो जाता है। पीछे आप देखेंगे तो मुख्तलिफ दरिया मुख्तलिफ अंदाज से मर्ज होते जा रहे हैं, ये दरिया इधर जाके मर्ज हो रहा है, ये झेलम। अच्छा, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये क्या इंडिया से कुछ चीज़ें उधर से आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये इंडियन एरिया के लोग हैं ना, तो वो भी हमने इसमें देखना तो है ना कि ये यहाँ तक उनका एरिया है और ये इधर धर्मशाला मनाली, ये मैप्स तो सारे इंटरनेशनल होते हैं ना, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। अच्छा, ये चीज़ें बड़ा अच्छा था आपका सिस्टम। आप पीछे ये वॉल्स लगी हुई है, मीडिया वॉल आपकी, यहाँ पे स्क्रीनें चल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो इसका क्या मकसद है जी? ये स्क्रीनें आप वॉच क्या आप अपनी वो वॉच करते हैं कि आपके कौन कौन से आपके खिलाफ खबरें लगाते हैं, क्या कर देखते हैं? नहीं, मैं तो इस हक में हूँ, बल्कि हमारा महकमा तो क्योंकि एक पब्लिक सर्विस का महकमा है और पीछे रह के काम करने वाला महकमा है, हम लर्न करते हैं मीडिया से। मीडिया क्या देख रहा है, मीडिया ने कुछ देखें, आपका भी एक नेटवर्क होता है मीडिया का, मुख्तलिफ चैनल्स का मुख्तलिफ, आपको सही खबर भी मिल सकती है और कुछ रॉन्ग भी हो सकता है। हम एक तो किसी भी चीज़ को जो मीडिया पे आ रही होती है उसको लाइटली नहीं लेते, हम फौरी तौर पर इधर हमारे देख रहे हैं फ़ोन टेलीफोन सेट्स पड़े हुए हैं, हम फौरी तौर पर उधर कॉल करते हैं मुतलका इलाके में जो हमारे रैप्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं, वहाँ से अगर ज़रूरत पड़े तो एसी साहब को कॉल करते हैं, ज़रूरत पड़े तो म्यूनसिपल कमेटी के लोगों को कॉल करते हैं, इरीगेशन वालों को कॉल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है। बाद अवत तो वो चीज़ सही साबित होती है, और अगर वो सही साबित नहीं होती तो फिर हम उसके एक रिबटल भी देते हैं कि भाई ये चीज़ जो है इस वक्त ऐसे नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, ताकि पब्लिक में पैनिक ना आए। अच्छा, ये टेलीफोन की आपने बात की, यहाँ पे कोई आपकी हेल्पलाइन है जिसपे आम आदमी, आम शहरी, आम देहात के रहने वाला बंदा, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम है, कुदरती आफत आ गई है, कोई इदारा नहीं पूछ रहा, तो वो कौन सी ऐसी हेल्पलाइन है, कौन सी आपकी वेबसाइट है जहाँ पर वो रब्ता कर सके, जहाँ पर आपको कंप्लेंट दर्ज करवा सके, शिकायत अपनी दर्ज करवा सके, क्योंकि मेरे प्रोग्राम नाम भी शिकायत है, तो फिर शिकायत वो कहां पे दर्ज करवाएं? जी, हमारे पास 1129 के नाम से एक ये हमारा पेट नंबर है जो हेल्पलाइन है, ये 24 आवर्स यहां पे हमारे कंट्रोल रूम से ही मैनेज होती है, वो उसका सेट पड़ा हुआ है, वहां हमारा स्टाफ बैठा हो तो 24 आवर्स जब भी किस पे कोई किसी को भी कोई मसला है इमरजेंसी के हवाले से,
अगर वो डिज़ास्टर में चीज़ नहीं भी आती तो हमारी कोशिश होती है कि उसकी इतनी हेल्प हो जाए कि उसको मुतलका महकमे मुतलका ऑफिस तक पहुँचाया जाए और उनके ज़रिए चीज़ें मोबालाइज हो सकती हैं तो वो करवाई जाएँ। 1129 ये PDMA की हेल्प लाइन है, 24 आवर्स वर्किंग है। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के DC ऑफिसेज हैं वहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वहाँ पे हमने कोशिश की थी कि हेल्पलाइन को वहाँ भी फंक्शनल किया जाए, लेकिन उसका अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग ये करेंगे तो वो रेस्पॉन्स जनरेट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगा ना, गलती से कोई कॉल किधर जा रही है कोई किधर जा रही है, तो वो सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है तो फौरी तौर पर वो नीचे डिसमिनेट कर दी जाती है। खालिद साहब, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, दिल तो चाह रहा है कि लोगों की ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए और ज़्यादा टाइम जो है, लेकिन आपके टाइम की किल्लत है। अभी आप पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे ये कुदरती आफात से बचने के लिए, PDMA की तरफ से, क्योंकि आप डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब हैं, तो आप पंजाब के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंजाब के लोगों को जी यही मैसेज है कि ट्रस्ट रखें उनकी हुकूमत और उनकी रियासत उनके लिए फ़िक्रमंद भी रहती है और पूरी कोशिश होती है कि इमरजेंसी होने ना दी जाए, अगर हो तो फिर उसके तदारक के लिए और लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। आजकल के जो माशरे हैं इनके अंदर इतना वेल निट पूरा सोसाइटी होती है, बल्कि ग्लोबली माशरा बन चुका है एक, लेकिन अब हमारे मुल्क में या हर ज़िले में अपनी जगह पे हर बंदा दूसरे पे डिपेंड करता है। हमें इंडिविजुअल के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां ज़रूर पूरी करनी चाहिए, जो एहतियाती तदाबीर होती हैं मुख्तलिफ़ मौसमों के हिसाब से, मुख्तलिफ़ मसाइल के हिसाब से। जैसे अगर हमारा सीवरेज सिस्टम है तो हम कोशिश करें तो हमारे गली मोहल्ले का सीवरेज सिस्टम बंद नहीं हो सकता, इस बुनियाद पे कि हम ख्याल करें कि उसके अंदर गैर ज़रूरी चीज़ें ना डालें, अल्टीमेट ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते अर्बन फ्लडिंग तक चली जाएंगी। सिमिलरली ये है कि अगर जो दरियाओं के रास्ते हैं, नदी नालों के रास्ते हैं, हिल टॉरेंट्स के रास्ते हैं, अगर उसके अंदर इनक्रोचमेंट हो रही है, यानी लोग घर बना रहे हैं या कोई डेरे बना रहे हैं, या तो वो फिर लॉस में जाता है, पानी का रुख मुड़ता है या पानी में रुकावट आती है बहाव में तो बढ़ता है मसला। सिमिलरली फॉग है, स्मॉग है, हर मामले में जो इतिहा अर्थक्वेक के हिसाब से जो महकमाना एडवाइस होती है कि घरों का डिज़ाइन ऐसे नहीं ऐसे बनाएं जो मुतलका इलाके हैं उनमें, तो उसका ख्याल रखें, कोऑपरेट करें स्टेट के इदारों के साथ। स्टेट की अगर कोई पॉलिसी होती है तो वो जनरल पब्लिक के फ़ायदे के लिए होती है, वो इंडिविजुअल को देख के नहीं बनाई जाती, फ्यूचर के लिए होती है, तो उसके साथ कोऑपरेट करें और ट्रस्ट रखें कि स्टेट और गवर्नमेंट के इदारे उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मसूद फारूका साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन PDMA हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खुल के आज अपने इदारे के बारे में और लोगों की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। और ये मेरे नाज़रीन ने भी आज ये सुन लिया कि कुदरती आफात, वो उसमें जलजला हो, उसमें सैलाब हो, उसमें टिड्डी दल का हमला हो, उसमें कोरोना हो, कोई डेंगू आ जाए या कोई और इस तरह का हादसा उनमें हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हर सूबे में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हरकत में आती है और इसका काम है कि मुतलका इदारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ये महकमा है और इसका काम है कि मुतलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनको जगा के रखना और उनसे रिपोर्ट लेना कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इस पर एक एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी उन्होंने बनाया हुआ है, वो भी आपने देख लिया। और आप कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि PDMA की एक हेल्पलाइन है 1129 1129 1129। ये एमरजेंसी PDMA की कि खुदा ना खास्ता कोई भी स्मोक फोक के दिनों में भी ज़्यादा किसी साइड पे होती है तब भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पे और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं कि आपको कोई मुतलका डिपार्टमेंट वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में उस तहसील में नहीं पूछ रहा, आपका काम नहीं कर रहा, कोई सैलाब है या फसलें तबाह हो रही हैं कोई या कोई भी ऐसा काम है, तो आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएँ। मुझे उम्मीद है जिस तरह का ये फरूका साहब ने बात की और जिस तरह मैं देख रहा हूँ मैनेजमेंट पूरा काम कर रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि फ़ौरन रिस्पॉन्स करेंगे। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।